नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मुझे स्वर्गीय गोपाल दास नीरज की वो लाइनें याद आती हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। शायद कमलनाथ की सरकार गिरी और लगा कि अब वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिस अंदाज में जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, तो घबरा गई है वो सरकार जिसके साथ शिवराज और सिंधिया है। हम मुखातिब होंगे मध्य प्रदेश के उस हाई प्रोफाइल चुनाव सुर्खी के उन प्रभारी से जो जबलपुर में अपने अंदाज से जाने जाते हैं और उसी अंदाज को बिखेर रहे हैं सुर्खी विधानसभा में, लखन घनघोरिया साहब। बड़ा पेचीदगी आ गई है जब से आप सुर्खी में आए, नई जान आई है, और जनता का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस को, उसे क्या मानते हैं आप? जनता ने जो जनादेश 2018 में दिया था और जिस अपेक्षा जिस आकांक्षाओं को लेकर दिया था, भरोसा जताया था एक वोट के रूप में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, उसी जनता को अब ये लगने लगा है कि उसके भरोसे को बेचा गया, उसके विश्वास के साथ कुठाराघात हुआ। संविधान की प्रदत्त जितनी शक्तियाँ लोकतंत्र में, उनका हनन हुआ है। इसलिए जनमानस एकजुटता के साथ इस चीज को स्वीकार कर रहा है और अब ये चुनाव जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी का हो गया। और यही कारण है कि आपको चारों तरफ जो रिस्पॉन्स दिख रहा है उसका मूल कारण यही है। सुर्खी में कांग्रेस ये आरोप लगाती है भाजपा पे, ये डर अहंकार की राजनीति, खुद अब मोर्चा संजय शर्मा और लखन घनघोरिया ने संभाला, तो क्या देखते हैं आप? जनता के मन से डर खत्म हो रहा है क्या? सुर्खी का मतदाता और सागर की जनता, मैं नहीं समझता कि कहीं डर और भय के वातावरण में जीती हूँ। ये सच है कि 25 साल से एक व्यक्ति का चरित्र आचरण और व्यवहार से यहाँ की जनता पूरी तरीके से वाकिफ है, और जब खुद की जमीन खिसकते देख रहे हैं गोविंद सिंह जी, तो उनका पूरा का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन दहशतगर्दी का ये वातावरण ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। सिंधिया के जितने खास आदमी रहे, उनके खासम खास रहे, चंबल में हूँ, ग्वालियर में हूँ या फिर सुर्खी में हूँ, किसी को घुसने नहीं दिया उन्होंने, कभी कमलनाथ उनका प्रचार करने नहीं गए, कभी दिग्विजय सिंह को जाने नहीं दिया उन्होंने, तो वो सब अपने आदमियों की कैंपेनिंग करते रहे। लेकिन आज जब वो कैंपेनिंग कर रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि वो कांग्रेस की बदौलत जीतते थे, ना कि सिंधिया की बदौलत, क्या कहेंगे? सिंधिया जी का अपना एक स्टाइल रहा है राजनीति करने का, और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में सामंतवादी प्रवृत्ति का कहीं स्थान नहीं होता। थोड़े दिन चल जाता है, थोड़े दिन चला, उनको लगा कि उनके किसी भी क्षेत्र में कोई दूसरा जाएगा तो उनके अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये बात सच है कि सिंधिया जी के रहते हुए कोई कांग्रेसी नेता उस क्षेत्र में जाता नहीं था। कारण स्पष्ट था कि बहुत व्यापकता नहीं थी सोच में, व्यापकता ना होने के कारण, ज़्यादा संकीर्णता होने के कारण वो किसी नेता को वहाँ जाने नहीं देते थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि जब उनके खिलाफ ग्वालियर की गलियों में गद्दार गद्दार के नारे लगे, तब उनको समझ में आया कि उनकी जमीन कहाँ है। लोकतंत्र में सामंतवाद का कहीं स्थान नहीं होता। इमरती देवी के मामले को लेकर जिस अंदाज में फ्रंट पर है भाजपा, कहीं ना कहीं आइटम शब्द को लेकर ये तमाम चीज़ें आई। एक तस्वीर भी कांग्रेस ने वायरल की है जब सिंधिया के पैरों में डली है इमरती देवी, और लिखा भी है कि जब अपमान नहीं हुआ कर, क्या दलित नेत्री का इसका। सिंधिया जी ने कितना कार्यकर्ताओं का, कितनी भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, महिला हो,
मंचों से अपमान किया है, ये बातें सब जानते हैं। कहा नूरी खान का हुआ, ठीक है, चुनाव के समर में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोई संदर्भ होता है और बात कहीं कुछ तौर मरोड़ के पेश की जाती है। कमलनाथ जी एक बहुत बड़े परिपक्व नेता हैं और मैं समझता हूँ कि उनका पूरा जीवन राजनीति की मर्यादित मूल्यों की रक्षा करने में बीता है और यही कारण है कि किसी भी पार्टी का नेता रहा हो उनको बड़े सम्मान से देखता है। उनके अनुभव और उनकी उम्र और उनकी गंभीरता पे कभी ये आरोप नहीं लग सकता कि वो कहीं महिलाओं को असम्मान से देखते, किस परिप्रेक्ष्य में किस संदर्भ में कौन सी बात की गई उसको तूल दिया गया। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है बुंदेलखंड में, अपने यहाँ छरछंद और छरछंदयाव, मुझको ये कहा गया, मुझको गरीब कहा गया, ये शिवराज सिंह जी के ऊपर बहुत फिट होता है। शिवराज सिंह जी हमेशा इस टाइप की हरकतें करते आए, मुझको नंगा भूखा कहा गया, किसने कहा किसने नहीं कहा, जिसने कहा उससे बात करें, लेकिन कमलनाथ जी पे आक्षेप लगाए। अपना कद शिवराज सिंह जी देखे 2018 में मध्य प्रदेश के जनमानस ने उनको नकार दिया है और वो चेहरा आज भी सामने और जनमानस उनको फिर नकार रहा है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है राजनीति की। जब कभी इंदिरा गांधी की लहर हुई हमने देखी, राजीव गांधी की लहर देखी, अटल बिहारी की देखी, मोदी की, मध्य प्रदेश में जो लहर चल रही वो शायद कमलनाथ की चल रही, कैसी हवा चल रही, क्या उम्मीद देख रहे हैं आप सरकार बनाने? इसी में जमीन खिसकी है शिवराज सिंह जी की, जो गलत किया सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता और ये सामने दिख रहा है। इनने जो किया है शिवराज सिंह जी ने, आम जनमानस 15 महीने का कार्यकाल बनाम 15 साल के कार्यकाल पे तुलना कर रहा है और निश्चित रूप से 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का सब पे हावी रहा है। कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को जनमानस इस रूप में स्वीकार कर रहा कि ये व्यक्ति यदि मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेगा तो मध्य प्रदेश का न केवल औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा बल्कि हर नौजवान को काम मिलेगा, किसानों के प्रति संवेदनशीलता। कमलनाथ जी ने अपने फसल ऋण माफी योजना में दिखाई है, बगैर कहे बगैर नारा दिए कमलनाथ जी ने गौ माता की सेवा करके दिखाया है, 1300 गौशालाएं बनाई हैं, 131 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था अपने बजट में। ये गौ माता का नारा देने वाले लोग अपने बजट में ने सिर्फ 100 करोड़ रखा है गौ संरक्षण के लिए। हम आए तो चाहे रिश्ते शिवराज सिंह कितने चीख के चिल्ला के बनाते हों, महिलाओं से, बच्चियों से, भाई बनते हों, भांजिया को मामा बनते हों, किसानों को अपना पिता कहते हों, लेकिन रिश्तों को तार तार किया है शिवराज सिंह जी ने। कमलनाथ जी ने वहीं बगैर नारा दिए बगैर कुछ कहे रिश्तों का निर्वहन किया है। बच्चियों की शादी में कन्यादान योजना में 51,000 रुपये किए थे और तो और महिलाओं की चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो और चाहे विकलांग पेंशन हो, हर प्रकार की पेंशन 300 रुपये से बढ़ा के 600 रुपये की थी। हम लोगों की सरकार का अगला कदम था कि एक इसी मार्च में ही हम उसको 1,000 करने वाले थे। हमने 26,95,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो 74,000 बच्चियों की शादी की है एक साल के अंदर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक साल में सिर्फ 42,000 शादियाँ हुई थी, हमने एक साल में 74,000 शादियाँ की हैं और किया ये कि 28,000 से बढ़ के 51,000 किया, 48,000 सीधे उस कन्या के खाते में जाते थे जिसके हाथ पीले होते थे। ये भांजियों से रिश्ता निभाया है, ये पेंशन
बड़ा के बहनों से रिश्ता निभाया है कमलनाथ जी ने बगैर कहे, किसानों का कर्ज माफ करके किसानों से रिश्ता निभाया, कोरा नारा नहीं दिया, गौ माता की सही पूजा की है। हम सनातन में पैदा लोग इस बात को अच्छे से जानते, हमारी संस्कृति परंपरा और धर्म का भव्य स्वरूप है कि हम गाय को माता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते। इसीलिए हमने एक साल के अंदर 1300 गौशाला बनाई, यही सुर्खी विधानसभा में बादशाह में गौशाला बनी, और यही गोविंद सिंह जी थकते नहीं थे उस समय कांग्रेस की सरकार की तारीफ की करते हुए, जब उसका शिलान्यास कर रहे थे, भूमि पूजन कर रहे थे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे सागर जी। तो ये थे, इन्होंने साफ ये कहा है कि सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो फिर वापस आता है। लग रहा है हवा है, और हवा ऐसी कि इस दफ़ा कमलनाथ की हवा है, और अगर यही हवा बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं कि 10 तारीख को कमलनाथ की भी सरकार बन सकती। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।